बस एक बुलावा आया आज 5 साल बाद। फिजिकल हेल्थ की ऐसी की तैसी। तो भाई साहब यहाँ पहुँचते पहुँचते निकल गए जान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी की होस्ट एंड दोस्त प्रतिमा राणा। तो आज मैं जा रही हूँ कंचना माता मंदिर, जो हमारी कुलदेवी हैं। कहाँ है वो दिखाती हूँ, और सोचा कि आज आपको भी माँ के दर्शन कराऊँ। पहले आपको दिखाती हूँ है कहाँ से, थोड़ा विजुअल है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे, ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके टॉप पर जो है कंचना माता मंदिर है। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, दिन के 3 बज रहे हैं। सोचा इस टाइम निकलते हैं, थोड़ा गर्मी भी कम होगी। सो चलें आज मेरे साथ, चलो। मैं निकली इस कड़कती धूप में अपने 2 पहिया वाहन में। अगर आप चाहें तो अपने 4 पहिया वाले वाहन में भी जा सकते हैं वहां पर। रास्तों की खूबसूरती को निहारते हुए मैं निकली, और जगह बहुत प्यारी है और रास्ता तो और भी प्यारा है, क्योंकि व्यू तो भाई कमाल का ही है वहां पे। तो यहां से ट्रैक शुरू है और हम चल पड़े हैं। वैसे ज़्यादा लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए। आप धर्मपुर में अगर आते हो तो आप यहाँ से आने पर नई नई जगहों पर एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कंचना माता मंदिर अगर आना चाहते हो, पहली बार दूसरी जगह जैसे मैंने आपको दिखाया। सेकंड थिंग, अगर आना चाहते हो तो किसी भी लोकल से पूछ लो कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, सब बताएंगे यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक मेरे को देने की ज़रूरत है। मेन है धर्मपुर मंडी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ आ जाओ, यहाँ से आने के बाद आप किसी भी जगह पर घूमना चाहते हैं, यहाँ पर लोग आपको बता देंगे। तो इस जंगल से होते हुए मैं जा रही हूँ माता के दर्शन करने, चलो। हेलो, मैंने क्या है चिप्स। ऐसी जगहों पे आना तो प्लीज खाने पीने का बंदोबस्त करके आना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना बहुत प्यास लगती है और बहुत भूख लगती है। वैसे पानी है वहाँ पे, बट फिर अपना जुगाड़ करके आना चाहिए। तो हम चल रहे हैं माता रानी के पास, क्योंकि बुलावा आया आज 5 साल बाद। तो भाई साहब यहाँ पहुँचते पहुँचते निकल गए जान, और अभी तक मेरे से आधा ही रास्ता पूरा हुआ है। ऊपर पहुँचते पहुँचते कि ऊपर ना निकल जाऊँ ये पता नहीं। तो भाई साहब अब चलते हैं। नॉर्मल रास्ते के साथ करीबन 1200 सीढ़ियां हैं, और उसका नॉर्मल रास्ता जैसे मैंने आपको बताया कि और भी है, जैसे जंगल से होके निकलना पड़ता है और फिर एक पॉइंट आता है जहां से सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं। तो करीबन 1200 सीढ़ियां ऊपर कंचना माता मंदिर तक आपको मिलेंगी यहां पे। कंचना माता मंदिर में भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और कहा जाता है कि बहुत ही ऐसे कम मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ खुद जो है अर्धनारीश्वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। Thank you.
घर से चलते टाइम मैंने आपको दिखाया था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, माता का मंदिर कहाँ पर है, और अभी मैं यहाँ माता मंदिर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि वहाँ है घर। मुझे वापस वहाँ जाना है। अब नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, आके बहुत सुकून सा मिलता है।